नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट अमरप्रीत। साल की आखिरी फिल्म सिम्बा, उसका प्रेस स्क्रीनिंग हो चुका है और मेरा रिव्यू किस इस तरीके से है। आप लोगों को पता ही होगा, या जिसको नहीं पता है वो ये जान लें कि ये टेंपल फिल्म की रीमेक है, तेलुगु मूवी टेंपर जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। जूनियर NTR सर ने इसमें काम किया था और क्या काम किया था, बहुत ही धमाल काम किया था और सुपर हिट ये फिल्म रही थी। सो अब इसका नाम सिम्बा कर दिया गया है और आपको सिम्बा पता ही है, द लायन किंगडम से नाम सिम्बा उठाया गया, सिंघम का, यू नो, सिम्बा। उसमें रणवीर सिंह को डाला, सारा अली खान को डाला, वो क्यों डाला मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही छोटा सा रोल है उनका। तो उसके बाद जब मैं अगर फिल्म के बारे में बात करूं, जो फर्स्ट हाफ है इट इज़ एग्जैक्टली लाइक टेम्पर। डायलॉग्स चेंज कर दिए गए हैं लेकिन जो फर्स्ट हाफ है पूरा का पूरा जो है टेम्पर का स्क्रिप्ट जो उठा के डाल दिया गया। सेकेंड हाफ, और इसीलिए फर्स्ट हाफ जो है एक्चुअली थोड़ा एंटरटेनिंग है। रणवीर सिंह जो है हंसाते हैं आपको, एंटरटेन करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। फर्स्ट हाफ आपको एंटरटेन लगता है। सेकंड हाफ में क्या किया इन्होंने कि इन्होंने स्क्रिप्ट चेंज कर दी। सेकंड हाफ इज़ नॉट लाइक टेम्पर। जो टेम्पर का जो सेकंड हाफ था वो बहुत ही बढ़िया था। इन्होंने सेकंड हाफ को चेंज कर दिया है, ड्रैग्ड सीन्स बनाए हैं, यहाँ पे बिना मतलब का इमोशन डाला, यहाँ के बिना मतलब के ये सीन डाले। सो वही हुआ, जब ओरिजिनल स्क्रिप्ट आपके पास नहीं रही, आपने कुछ करने की कोशिश की और वहीं पर जो है सेकेंड हाफ पूरा ड्रॉप हो जाता है। सो रणवीर सिंह की एक्टिंग की अगर बात करें, सो जूनियर NTR ने जो टेंपर में किया था, ये कि एक मनचला सा पुलिस इंस्पेक्टर है, पहले तो बहुत ही करप्ट है, उसके बाद जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद वो बदलता है, किसी भी इंसान का ज़मीर बदल जाएगा, वैसी तो बात सही है। उसमें बहुत ही कन्विंसिंग लगे थे मुझे। यहाँ पे रणवीर सिंह जो है बहुत जगह पे, कहीं कहीं पे कन्विंसिंग लगे, बहुत जगह पे ओवर एक्टिंग करते हुए दिखे। रणवीर सिंह ने आई थिंक गुंडे फिल्म के बाद मैं उनको बहुत ही ओवर एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ। जो मसाला एलिमेंट है जब डल जाता है स्टोरी में तो कहीं ना कहीं वो यू नो ओवर एक्टिंग करने लग ही जाते हैं। यू नो जब एकदम सब कुछ मसाला होता है, बहुत कुछ डायलॉग्स होते हैं, सो उसको एक कन्विक्शन से करना जो सिंघम में अजय देवगन ने किया था, रणवीर सिंह में वो बात होती नहीं है। उसके बाद जब एंट्री पे आते हैं, अब ये बात ट्रेलर में हम लोग देख चुके हैं कि अजय देवगन की एंट्री है, तो ये कोई स्पॉइलर नहीं है। अजय देवगन जब एंड में आते हैं, जो उनकी आंखों में दिखता है और जब उनके साथ रणवीर सिंह चलते हैं, वहीं पे समझ में आता है भैया कि पप्पा पप्पा होते हैं। और सो रणवीर सिंह हैज़ अ लॉट टू लर्न अभी। आई थिंक वो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत ही सही करेंगे। और अजय देवगन की जो एंट्री है मीडिया शोज़ में एक होता नहीं है, लेकिन मीडिया शोज़ में भैया सीटियाँ बज रही थी। और वैसे इस फिल्म के जो बहुत सारे डायलॉग्स हैं उसमें सीटियाँ बजेंगी। जो सिंगल स्क्रीन्स है उसमें लोगों को बहुत फिल्म पसंद आएगी। वैसे तो फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्म है, ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जो फैमिली देख नहीं सकती है, ओवरऑल फैमिली देख सकती है, तो बहुत लोगों को ये फिल्म पसंद भी आएगी। लेकिन जिन लोगों ने टेम्पर देखी है, आई थिंक यूट्यूब पर उसका हिंदी डब्ड वर्जन है, आई थिंक वो उसमें देख के खुश हो जाएंगे। नहीं तो रणवीर सिंह के जो फैंस हैं, आई एम वेरी श्योर वो इस फिल्म को देखने जाएंगे। लेकिन जो टेम्पर देख चुके हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो इस फिल्म को दोबारा देखने जाएंगे और उनको बहुत पसंद आएगी, जैसे कि मुझे भी बहुत खास ही लगी। आई एम नॉट सेइंग द फिल्म इज़ बैड, बट द फिल्म इज़ नॉट दैट ग्रेट। या अगर मैं टेम्पर की तरह बोलूँ तो टेम्पर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट हाफ टेम्पर का रीमेक है, सेकेंड हाफ जो इन्होंने अपना डालने की कोशिश की है, फिल्म का भाजीपाला वहीं पर हो जाता है। सो ओवरऑल अगर रेटिंग करने की बात करूं, हाँ, सारा अली खान का जो मैं कह रहा था वो फिल्म में क्यों है पता ही नहीं, बहुत ही छोटा सा रोल है। यू नो जब रोमांस के एलिमेंट फिल्म में डालने होते हैं या गाना डालने होते हैं तो वो आ जाती हैं, हाँ, और इतना ही सारा अली का रोल है। आशुतोष राणा सर ने जितना उनका रोल है बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। सोनू सूद यार क्या रिप्ड लगते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता ये बंदा करता क्या है, यू नो, बॉडी बनाने के लिए, मतलब हमेशा बॉडी उनकी इतनी सही लगी है। सो ओवरऑल एक एवरेज फिल्म है, वन टाइम वॉच इस फिल्म को मैं कह सकता हूँ। रेट करने की बात करूँ तो इस फिल्म को मैं 2.5 स्टार्स दूंगा। सो ये था मेरा सिम्बा फिल्म का रिव्यू। अब अगले फ्राइडे मतलब अगले साल 2019 में आपको एक फिर जो नई फिल्म रिलीज़ होगी उसका रिव्यू लेके आऊँगा। वायरल बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें भैया, लाइक करें, शेयर करें। रिव्यू अगर पसंद नहीं है तो नीचे एब्यूसिव लैंग्वेज मुझे पता है आप लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप फैंस हैं तो कांट हेल्प इट। एनीवेज, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन।